हेलो स्टूडेंट्स, आरदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट वेक्टर स्पेस के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट करा दिया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा 21 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड। तो जो वेक्टर स्पेस के बेसिस में मेंबरों के नंबर को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डायमेंशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ सिर्फ डायमेंशन है, इनवर्स नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इफ। तो टू सब स्पेस का यूनियन क्या होता है, वो होता है वन कंटेंट अदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डब्ल्यू बी आर सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन डायमेंशनल वी अपॉन डब्ल्यू किसके इक्वल होता है। तो डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ, डायमेंशन वी इक्वल फोर और डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू, देन डायमेंशन डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, कि जो डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू इक्वल कितना होता है, डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू की, ये दे रखी, कितनी दे रखी है, टू। तो टू इक्वल किसके इक्वल होता है, डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू। तो डायमेंशन वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फोर माइनस डायमेंशन डब्ल्यू, तो यहाँ पर डायमेंशन डब्ल्यू ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो डायमेंशन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमेंशन डब्ल्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी, डायमेंशन डब्ल्यू की वैल्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट W1 एंड W2 फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, डायमेंशन W1 की वैल्यू दे रखी है, डायमेंशन W2 की वैल्यू दे रखी है, डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल 3 और डायमेंशन V1 इंटरसेक्शन V2 की वैल्यू बतानी है। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है कि जो डायमेंशन W1 प्लस W2 जो इक्वल होता है, वो होता है हमारा डायमेंशन वी वन प्लस डायमेंशन W2, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस डायमेंशन V1 इंटरसेक्शन V2। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आंसर हमारा बनेगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लगा के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। द एलिमेंट्स ए वन ए टू एंड बी वन बी टू ऑफ द वेक्टर स्पेस वी टू एफ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ए वन बी टू माइनस ए टू बी टू ए टू बी वन जीरो के इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ठीक है, जो डायमेंशन W1 प्लस W2, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन V1 इंटरसेक्शन V2, वो W2, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर भी, तो आप लर्न कर लेना इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी स्टूडेंट्स एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एफ डायमेंशन वी इक्वल इतना देर एन दे रखा है और डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू इक्वल आर। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला करा चुकी हूँ। फॉर्मूला होता है डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू इक्वल डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू। तो डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आर, और डायमेंशन वी की वैल्यू एन, और डायमेंशन डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसे इस साइड ले जाएंगे और इसे इस साइड ले जाएंगे, तो एन माइनस आर इक्वल डायमेंशन डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी वन एंड वी टू बी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ, देन विच वन विल ऑलवेज बी द सब स्पेस ऑफ वी। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी इज राइट, वी वन यूनियन वी टू हमेशा सब स्पेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एन क्रॉस एन की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये दे रखे हैं, तो इनमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेस डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा सब स्पेस हो, तो फॉल्स है ये। इफ ए एंड बी आर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अगर देन ए इज नॉट इक्वल बी, तो डायमेंशन ए इज नॉट इक्वल डायमेंशन बी, ये हमारा ट्रू नहीं है, फॉल्स है, जरूरी नहीं है ए और बी नॉट इक्वल हों तो डायमेंशन भी नॉट इक्वल हो गए, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पी एन के ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री एट मोस्ट एन इज। तो ऑप्शन ए दे रखा है एन माइनस वन, एन प्लस टू, एन और एन प्लस वन। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक होगा, तो हमारे यहाँ पर आंसर है एन प्लस वन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35, इफ डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कई बार, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए और कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेजना इसका आंसर करने से पहले। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लर्न करके जाइएगा, इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।